पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में राजनीतिक पार्टियां भेज रही हैं। उसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं किसी के टिकट काटे जा रहे हैं तो किसी नए प्रत्याशी को भी इस चुनावी मैदान में जगह दी जा रही है। आखिरकार जो मुरादाबाद मंडल के बाद में मुरादाबाद जनपद की बात करें तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के द्वारा अपने टिकट काटे गए और उसके बाद नए लोगों को चुनावी मैदान में भेज दिया गया। मुरादाबाद देहात से जो देहात प्रत्याशी रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार उनकी जगह पर एक नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया और क्या वजहें रही हैं आखिरकार, और स्थिति 2022 के इलेक्शन में क्या रहने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो अब तक अभी आप विधायक रहे और उसके बाद में आपका टिकट काटने के बाद में एक नए कैंडिडेट को उतारा गया, क्या वजह रही? देखिए, मुझे वजह का नहीं मालूम। मैं 28 साल पुराना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने समाजवादी पार्टी को विभिन्न विभिन्न पदों पर रहकर अपने खून से सींचा था। मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूं, कई कई बार नगर अध्यक्ष भी रहा हूं, कई कई बार उत्तर प्रदेश में महामंत्री भी रहा हूं, कई कई बार। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी बहुत ईमानदार नेता थे, अखिलेश यादव जी बहुत ईमानदार नेता हैं, लेकिन कुछ बीच में दलालों ने, कुछ माफियाओं से पैसा पकड़कर अखिलेश यादव जी को मिसगाइड किया है और टिकटों में फेरबदल करवाया है। तो उसके बाद जो स्थिति अब है, इसके बाद में जो इलेक्शन है, क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि जिस तरह का दबदबा आपका रहा, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी लगातार वो दबदबा बना पाएगी? देखिए, ये तो सोचना आपका काम है और ये जनता की सोच है। आज मेरे पास सुबह 8 बजे से मेरे क्षेत्र की जनता आई, लगभग 50-60 प्रधान भी आ चुके हैं और जो आ रहा है वो दुदू धाम रोता हुआ आ रहा है मेरा टिकट कटने पर, क्योंकि मैं सियासत भी इबादत की तरह करता हूं, मैं फकीरी की तरह जिंदगी गुजारता हूं और ईमानदारी से राजनीति में आवाम की खिदमत के लिए मैं राजनीति करना चाहता हूं। मैं अपने जाति मफाद के लिए नहीं, मेरा कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिससे मैं राजनीति की छतरी लगाना चाहूं। एक बड़ा सवाल आता है कि अभी जो कल एक इंटरव्यू हुआ उसमें जो देहात प्रत्याशी जिन्हें बनाया गया है नासिर कुरैशी साहब को, उन्होंने कहा कि अब आप बुजुर्ग हो चले हैं और इसीलिए पार्टी ने आपकी जगह उन्हें टिकट दिया है, इसमें क्या कहें? देखिए, मैं इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। इस बात का जवाब जो है मैं बहुत छोटी सी बात से कहूंगा आपसे। तुलसीदास का एक दोहा है, तुलसी बुरा न मानिए जो गंवार कह जाए। मैं जवान हूं या बूढ़ा हूं, अभी मेरे अंदर आवाम की खिदमत करने का जज्बा नौजवानों से बढ़कर है और मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में दूध को दूध और पानी को पानी कहा है। हाजी इकराम कुरैशी एक ऐसा नाम है जो देहात विधानसभा सीट पर लगातार अपना दबदबा बनाए रखा, समाजवादी पार्टी में एक अहम भूमिका निभाई, मंत्री के पद पर रहकर भी जनता की सेवा की, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ऐसा निर्णय लेना कहाँ तक ठीक है? देखिए, मुझे खुद इस बात की तकलीफ है, मुझे खुद इस बात का एहसास है। मैं जब तक मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैंने हमेशा जनता के बीच उनका पैगाम पहुंचाया और उनकी तारीफें खूब की और तारीफों का पुल बांधा। अखिलेश यादव जी इसमें मुझे बिल्कुल कहने में संकोच नहीं है कि प्योर ईमानदार नेता हैं, लेकिन कुछ दलाल बीच में घुसकर इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे दलालों की ना सुनी जाए और ऐसे दलालों की जांच हो कि कौन कौन टिकट पे पैसा पकड़ रहे हैं। तो सीधे तौर पर कह दिया जाए कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो गुमराह हो गए। जी हाँ, अखिलेश यादव जी को गुमराह कर दिया गया
और एक गाय के मीट के व्यापारी को टिकट दिला दिया गया। मुझे इसका बेहद अफसोस है कि कोई मुझे टिकट अगर काटना ही था तो किसी नेता को दिया जाता। क्या लगता है कि मतलब ये 2022 के इलेक्शन में जनता के बीच जाएंगे तो समाज सेवा या सेवा जनता की सही तौर पर कर सकेंगे या फिर जनता उन्हें अपना समर्थन दे पाएगी? देखिए ऐसा है, मैंने अभी आपसे अर्ज किया था, कुछ लोग नाम के लिए अपना कारोबार को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। मैं जनता की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत करने के लिए, सच्चे मन से आवाम की खिदमत करने के लिए राजनीति करता हूं और मैं आवामी खिदमत गुजारी करता रहूंगा, करता रहा हूं। मेरा एक अंतिम सवाल है, 2017 में भाजपा की प्रचंड बहुमत में सरकार बनी और उसके बाद में दोहयात विधानसभा सीट पर भी आपने वो परचम लहराया। 2022 का इलेक्शन है, ऐसी स्थिति में देहात विधानसभा किस कंडीशन में जाने वाली है? देखिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मेरा टिकट काटा है और जनता में जितनी नाराजगी है वो मैंने आज दिन भर यहां रहकर देखा है। बहुत से प्रधान, बहुत से क्षेत्र के लोग रोते हुए चले आ रहे हैं, चीखे मारते हुए चले आ रहे हैं। आज मुझे ये एहसास हुआ कि जनता मुझसे कितना प्यार करती थी, जितना प्यार जनता से मैं करता था, जितना प्यार जनता से मैं करता हूँ, जितनी खिदमत जनता की मैंने सच्चे मन से की है, मुझे उसका रिजल्ट आज मिला कि आज ग्राम प्रधान और गांवों की जनता और जो मेरे देहात क्षेत्र में शहरी इलाका रखता है वहाँ के लोग रोते हुए चले आ रहे हैं, चीखे मारते हुए चले आ रहे हैं। मेरा दिल इस बात से बहुत परेशान। तो क्षेत्र की जनता को, जो क्षेत्र की जनता है आप पर भरोसा जता रही है, उसके बाद में क्षेत्र की जनता का दिल को, दर्द को समझते हुए क्या हाजी इकराम कुरैशी चुनाव मैदान में जाएंगे? इस पर मैं कुछ अभी कहना नहीं चाहता, जनता की तरफ से मेरे ऊपर दबाव बन रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार मैं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां मैंने सियासत की है, एक बार उनसे बात और कर लूं। तो जो अब तक बात रही उनसे, आपकी मुलाकात भी हुई, वो उसमें क्या रहा, उसमें क्या निकल कर आया? वो मुझे रोकना चाह रहे थे कल, मैं रुका नहीं, मैं एक बार टेलीफोन द्वारा उनसे बात कर लूं, उसके बाद कोई फैसला लूंगा। हालांकि जनता मेरे ऊपर बहुत दबाव बना रही है, मेरे क्षेत्र की जनता मुझसे कहती है कि आप चुनाव में आइए। आपका कितने परसेंट मन है जनता के बीच जाने का चुनाव मैदान? मैं हमेशा जनता के बीच रहा हूं, कभी छुपके नहीं रहा, जनता के बीच रहा हूं और जनता के बीच रहूंगा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन जनता मेरे दिल में है और मैं जनता के दिल में। इस बार 2022 के इलेक्शन में परसेंटेज की बात करें, कितना परसेंट आपका दिल कर रहा है कि मैं जाऊं इस चुनाव मैदान में? ये बातें दोस्त बताने की नहीं होती। तो ये थे जो देहात विधानसभा के समाजवादी पार्टी से विधायक रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ही सादगी के साथ में हमारे सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है, ये क्लियर नहीं किया कि आखिरकार 2022 के इलेक्शन में ये चुनाव मैदान में जाने वाले हैं या नहीं। देखना होगा कि यदि हाजी इकराम कुरैशी देहात विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में जाते हैं तो फिर ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने वाला समय बताएगा। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।